कुछ इस कदर बढ़ गई है कि लोग घर के अंदर घुसकर पीटते हैं और पीटने के बाद अपनी ही फर्जी रिपोर्ट बनवाकर लोगों को परेशान कर लेते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि जो निर्दोष होता है वह पहले ही पिट चुका होता है और सरकार भी उसी को दबाने में लगी रहती है। ताजा मामला फतेहपुर जिले के ग्राम दरवेशाबाद थाना बिंदकी का है, जहां पर एक व्यक्ति क्यों इस बात को लेकर परेशान है कि पहले तो उसके गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके घर के अंदर घुसकर उसकी पिटाई की। इसके बाद पिटाई करने के बाद में उसके घर में जब मोहल्ले वालों के द्वारा ललकारा गया तो घर से निकालकर इसके बाद पिटाई करने के बाद में उसके घर में जब मोहल्ले वालों के द्वारा ललकारा गया तो घर से निकल कर भागने लगा। भागने के दौरान रास्ते में किसी पत्थर से टकरा गया, फिर गिर गया, जिससे उसके सर में मामूली चोटें आ गई। इन चोटों को दिखाकर उसने किसी तरह से फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा दी और पीड़िता के ऊपर ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवा दी। पहले ही दबंग के द्वारा मार खा चुकी है और अब पुलिस के द्वारा भी लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। महिला अत्यंत गरीब है, जिसके कारण वह किसी भी तरह का कोई फर्जी काम नहीं करवा। अतः प्रार्थनी ने जिले के जिलाधिकारी से साफ तौर पर निवेदन किया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट की दोबारा जांच चिकित्सकों की एक टीम बनाकर करा दी जाए, जिससे कि सच्चाई सभी के सामने हो और पीड़िता को न्याय मिल सके। झगड़ा किया ये लोग, फिरते थे लड़कों में झगड़ा हुआ है। हाँ। तो अपने भाई को मारा है, अपने भाई को मारा ये लोग, अपने भाई को उसने तो जा करके दिनेश के घर में पूछताछ किया और उसके ऊपर चढ़ाई बोला। वो रोड पर गया, उसको रोड पर सड़क में मारा उसको, फिर उसके माँ के घर में घुस गए, माँ को घर में घुस करके उसके हाथ में पत्थर मारा।